सभी को नमस्कार। तो शिव सूत्र के दूसरे चरण पे आज हम बात करने वाले हैं। आज दूसरा दिन। याद रहे कि शिव सूत्र में 77 वर्सेस है, जिसके दो हमने कल कवर कर ली। ठीक है, आज तीसरा। हम थोड़ा फास्ट लेंगे कुछ चीजों को, क्योंकि 77 है, मतलब बहुत ज्यादा दिन भी ना लग जाए। तीसरा जो सूत्र है शिव सूत्र का, वो है योनि वर्ग कला शरीर। योनि वर्गम कला शरीरम, ये तीसरा सूत्र आता है। इसका जो सीधा मतलब है वो ये है कि हमारा जो खुद का परिचय है अपने से, वो हमारे पंच तत्वों के कारण है। ठीक है, हम शरीर है और शरीर का आभास, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम जो पंच तत्व कहते हैं या पंचेंद्रिया कहते हैं, उसके कारण जो आसपास की चीजों ने जिस शरीर को बनाया है। जैसे पंच तत्वों में कौन सी चीजें आती हैं? पानी, हवा, अग्नि, जमीन और आकाश, राइट? इन चीजों के साथ हम बने हैं, ऐसा हमारा मानना है। जहां तक हो सकता है ये बात सही भी। अगर हम भीतर की बात करें तो हम कहते हैं कि पंचेंद्रिय, जैसे कि आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन, तो ये जो है ये पंचेंद्रिय, राइट? तो जैसे बाहर के जीवन में हम पंचेंद्रियों के साथ जीते हैं, वैसे भीतर में भी टेस्ट करने के लिए, देखने के लिए या जीवन को संचालित करने के लिए हम पंचेंद्रियों के साथ जीते हैं। तो इन पंचेंद्रियों के एग्जिस्टेंस के कारण ही हम खुद को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, जान पाते हैं। हम शरीर है ऐसी भावना हमारी बन पाती है, जस्ट बिकॉज कि इन पंचेंद्रिय के साथ हम बने। अब इन पंचेंद्रियों के प्रति जब तुम साक्षी भाव रखोगे, इन पंचेंद्रियों के प्रति जब तुम अपना अटकाव दूर करोगे, तब तुम उस आत्म तत्व तक जा पाओगे। ये इस लाइन की सीधी सी बात। अब इसे किया कैसे जाए? बात बड़ी साफ है, शिव किसी वैज्ञानिक से कम नहीं, क्योंकि शिव की जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कोई वैज्ञानिक काम करेगा तो वो अपनी हर स्टेप लिख लेगा, क्योंकि कौन जाने क्या बना और कौन जाने कोई स्टेप छूट ना जाए। तो पहले जो चरण है उसमें क्या था? पहला वाक्य, पहला सूत्र, चैतन्यम आत्मा। शिव ने पहले ही कह दिया कि तुम कौन हो। दूसरे में शिव ने कहा कि तुम्हारा सारा जाना हुआ चीज तुम्हारा बंधन है। तीसरे तक आते आते उन्होंने कहा कि अब ये बंधन है, अब इसे किस तरह से काटा जाए, किस तरह से समझा जाए कि इस बंधन से पार जाना है। तो पहले ये तो समझ लो कि तुम हो कौन अभी के लिए। तो तुम्हारा अभी का जो भी होना है वो इन पंच महाभूतों के कारण है, पंचेंद्रियों के कारण। क्योंकि तुम्हारा शरीर है इसलिए तुम्हें अनुभव होता है कि तुम हो, क्योंकि ये दिख रहा है। आत्मतत्व तो दिखता नहीं, चेतना तो दिखती नहीं, वो तो अनुभव की बात है। और शायद इसीलिए अध्यात्म में इतना बड़ा जो बिजनेस चलता है, अध्यात्म में जो होता है, जो होते आया है पिछले कुछ सालों से, और जो ज्यादा ही सामने आया है कि आध्यात्मिक इंसान के बारे में तुम सोचते कुछ थे वो निकला कुछ, राइट? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन इतना बेसिक है कि अगर वैज्ञानिक जीवन में अगर आप कुछ ढूंढो, कोई कंपोनेंट, कोई प्रोडक्ट आप निर्माण करो, तो आप दुनिया को दिखा सकते कि यह है प्रोडक्ट, ओके? और जैसे ही किसी ने मोबाइल बनाया, कोई चीज बनाई, वो दुनिया के लिए अवेलेबल हो गई, उसे खुद अलग से बनाने की जरूरत नहीं। आप जस्ट उसको पैसे पे करें और इस चीज को अपने घर पे लेके आए, या अपने जीवन में आप उस चीज को लेके आए। लेकिन जब बात अध्यात्म की आती है तब समस्या ये है कि जो मेरा अनुभव है वो मेरा ही अनुभव है, वो तुम्हारा अनुभव नहीं बन सकता। जब तक तुम वो ना करो जो मैं बता रहा हूं, उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए जो किया जाना चाहिए या तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ। तुम कहोगे कि कोई एनलाइटेड है या नहीं, या कोई अपने भीतर से कहां पहुंचा ये दिखा दे, तो सबको नहीं दिखा सकता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कृष्णा ने हर किसी को अपना विराट रूप दिखाया होता, वो विराट रूप में ही घूम रहा होता। कृष्णा ने अंतिम टप्पे पर अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, वरना पहले ही दिन बता देता। भगवत गीता अगर जब शुरू हुई, जब बात पहली शुरू हुई,
तो पहले ही दिन ही बता देता, जैसे शिव ने कहा कि तुम कौन हो, तुम चैतन्य आत्मा। तो कृष्ण ने पहले ही दिन दिखा नहीं दिया कि किससे बात कर रहा, विराट रूप से बात कर रहा। कई सवाल जवाबों के बावजूद जब कृष्ण को लगा कि ये समझ नहीं रहा अभी भी मैं क्या कहना चाहता हूं, ये लाइटली रह रहा है कहीं ना कहीं मुझे, तब जाके कृष्ण ने उस विराट रूप के दर्शन उसे कराए कि बबलू किससे बात कर रहा समझ तू। और उसके बाद कहीं ना कहीं क्वेश्चंस की क्वालिटी बदली, चीजें थोड़ी सी अलग हुई। फिर अर्जुन के जो सवाल थे वो थोड़े से बदले जब उसने देख लिया विराट रूप। वैसे ही हमारे जीवन में जो भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तुम्हारे साथ हो रहा है, जिसे किसी भी थोड़े मोटे आध्यात्मिक अनुभव है, मैं अगर तुमसे पूछूं कि इसको एक्सप्लेन करो तो तुम शब्दों में नहीं ढाल सकते। तुम यही कहोगे कि अच्छा अच्छा लग रहा है, मतलब सही लग रहा है, या कुछ और शब्द उसके लिए संस्कृत का या कोई और शब्दों में उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे। लेकिन मैं तुमसे कहूं कि स्टेप बाय स्टेप बताओ कि क्या हुआ, कैसा फील हो रहा, नहीं बता, इतना डिटेल नहीं, शब्द काम ही नहीं करेंगे वहां, क्योंकि वो अनुभव ही आता है जब शब्द है। तो जब छोटे मोटे अनुभवों की ये बात है तो विराट की क्या बात होगी। अगर तुमने विराट को जाना तो उसके बाद क्या बात होगी। उसके बाद तो ऐसा है कि बस उसे शब्दों में उतारने की कोशिश नहीं की जा सकती। और शायद यही गैप है जिसके बीच में बहुत से लोगों ने इसको बहुत अच्छा बिजनेस बना लिया, क्योंकि इसमें प्रूफ की तो जरूरत है नहीं और कोई मांगता भी नहीं। जैसे मैंने कल कहा था कि अगर किसी आध्यात्मिक इंसान के पास जाओ तो पहले उसको पूछ लेना कि मिला है तुझे, है तेरे पास। बात तो साफ है, अगर तुम किसी के पास जा रहे हो पता तो करो उसके पास है या नहीं। किसी बैंक में जा रहे हो लोन निकालने के लिए, अरे पता तो करो उस बैंक में पैसा है या नहीं। किसी बिजनेसमैन के पास जा रहे हो इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, पता तो करो उसका बिजनेस खुद का चल भी रहा है या नहीं, कि सब घाटे में चल रहा है, उसका खुद लोन के हिसाब से चल रहा है उसका ही। अगर किसी टीचर के पास तुम जाते हो कहीं पीएचडी करने के लिए जाते हो, ये तो देखते हो ना कि सामने वाला पीएचडी है या नहीं, या ग्रेजुएशन का बच्चा पीएचडी पढ़ा रहा है। इसलिए तो डॉक्टर्स के बाहर डिग्रियां लगी होती है बाहरी, ताकि दुनिया देख पाए हाँ भाई इस डॉक्टर के पास आए हम। पहले ऐसा नहीं था, अभी कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ने वैसे नियम निकाले कि भाई पहले बाहरी डिग्री लगा, क्योंकि जिस तरह के अनुभव गवर्नमेंट को आए उस तरह से उन्होंने कह दिया। लेकिन अध्यात्म का क्या तुम कह सको, अध्यात्म के लिए कैसे परिचित हो पाओगे, ना इसकी कोई डिग्री है ना इसका कुछ मापदंड है कि कुछ गिना जा सके, ये तो ऐसा ही चल रहा है। तो याद रखना कि जब भी तुम किसी स्पिरिचुअल इंसान के पास जाओ और तुम्हें वो आत्मा परमात्मा और बड़ी बड़ी बातें करे, बस एक सिंपल चीज उसे पूछ लेना कि तुझे मिला, कब मिला, कैसे मिला। जैसे विवेकानंद ने पूछा था रामकृष्ण से, विवेकानंद ने कहा कि भगवान है या नहीं मुझे प्रूफ करो, मैं जानना चाहता हूं ये वो फलाना ठीक। अब रामकृष्ण बेचारे साधे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि ये सब बातें छोड़, इतना ही बता कि क्या तुझे अनुभव करना, क्योंकि इसके पास था तो ये कह पाए। वरना कुछ लोग गोल गोल उल जलूल बातें कर देंगे। अगर एक आध्यात्मिक इंसान है, अगर उनको तुम पूछोगे कि आर यू एनलाइटन, तो भाई बताने वाला सीधा कह देगा यस या नो, हाँ या ना। लेकिन उसका वीडियो मैंने खुद सुना था, मुझे किसी ने दिखाया था, उनका कहना था कि व्हेन यू आर हाउ कैन यू बी एनलाइटन अनलेस यू ड्रॉप यूर सेल्फ, एनलाइटनमेंट नेवर कम्स। भाई हाँ बोल ना बोल, ये क्या गोल गोल, ये तो जलेबी हो गई ना, इसको बोलते जवाब देना भी नहीं, ये तो गवर्नमेंट ऑफिसर का काम हो गया। तहसील में आप जाओगे तो वो ना कहता भी नहीं, काम करता भी नहीं। ये तो वैसे ही हुआ कि जवाब देना भी नहीं और बस अपनी अपना धंधा चल रहा है। ये तो सब जानते हैं ना कि व्हेन यू आर नॉट ओनली दैट थिंग हैपन, कि जब तुम हो ही नहीं, जब तुम खत्म हुए तब परमात्मा तुम्हारे जीवन में आओ, ये तो भाई बच्चा बच्चा जानता है अपने देश का। तू हा ना के बात कर, सीधी बात कर। तो ऐसा सब यही अध्यात्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है कि ये अनुभव करने वाली चीज है, ये दिखाई नहीं जा सकती, इसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं, ठीक है। लेकिन शारीरिक तल पर तुम्हारी अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है वो है तुम्हारा शरीर।
तो तीसरे सूत्र के साथ कहा जाता है कि योनि वर्गम कला शरीरम, कि तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन तुम्हारे साथ है। क्यों? क्योंकि पंच तत्वों के कारण तुम्हारा जो शरीर बना है उसके तहत। अब यहां से शुरू होती है प्रोसेस। प्रोसेस यह है कि जब तुम अपने शरीर को देखोगे, ये शरीर जिन पंच महाभूतों से बना है, जब तुम उसको देखोगे, जब उसके प्रति तुम साक्षी रहोगे, तब इस पंच महाभूतों के कारण तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें निर्मित है या जो माया इस शरीर को पकड़े हुए है वो छूटने लगेगी। ये इस शरीर के साथ का जो बंधन है ये कटने लगेगा। ये शरीर के साथ जब अब तुम जुड़ चुके पूरे की, ये कम होना शुरू होगा जब तुम शरीर के साक्षी हो जाओगे, जब तुम शरीर के प्रति सचेत हो जाओगे। और शरीर बना कैसा है? पंच महाभूतों से, पंच इंद्रियों से। तंत्र तो कहता है कि 36 चीजों से इस ब्रह्मांड की निर्मिति, उसमें काम ये वो सब वो भी आ गए, राग लोभ पुरुष, वो बात अलग, वो डिटेल इनको कभी बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं सोचता हूं, मेरी अपनी मान्यता है कि बाहर के जीवन में शरीर के रूप में, शरीर के होने के रूप में बाहर के 5 तत्व, और भीतर खुद को फील करने के लिए पंचेंद्रिया, बराबर ये 2 पर्याप्त है कि तुम जीवन जी सकते हो इनके आसपास। और यही वो चीज है जिसके प्रति अगर तुम साक्षी भाव रखो, जिसके प्रति तुम सचेत हो जाओ, तो तुम इससे छूट सकते हो। और इस चीज को तुम जब फील करते हो कि तुम हो, इसका रीजन कहा गया है माया। माया का मतलब है कि मैं तो चेतना हूं लेकिन खुद को शरीर समझ बैठा हूं, यही माया, यही इल्यूजन। ये ऐसे ही है कि जैसे तुम सपने में हो और सपने में कुछ हो रहा है और तुम्हें फील होता है कि यह सब हो रहा है, रियल है, जब तक तुम उठ नहीं जाते, जब तक तुम्हारी नींद नहीं खुलती, तब तक सपने में जो भी हो रहा है तुम्हारे लिए सत्य है, सच्चाई है। ये वैसे ही है कि जस्ट बिकॉज कि शरीर के साथ जो तुम्हारी माया जुड़ी है, तुम अपने को शरीर समझे हो इस मोमेंट के लिए, इसलिए तुम अपने को जो तुम्हारी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो कहीं साइडलाइन हुई।